द चैप्टर ऑफ क्लास 12th, सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिंग फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स. फर्स्ट इज कैलिक्स, सेकेंड इज कॉरोला, थर्ड इज एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज गैनेशियम. कैलिक्स एंड कॉरोला आर द एसेसरी पार्ट्स. कैलिक्स ऑल्सो कॉल्ड सेपल एंड इट इज ग्रीन इन कलर. प्लीज स्टूडेंट्स सी इन द पिक्चर. सेपल इज द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर and it is generally green in color. sepal also called calyx. and second part is petal. it is a colorful part of the flower and also called corolla. and androecium and gynoecium is the reproductive part of the flower. androecium is a male reproductive part and gynoecium is the female reproductive part. it's a single unit of androecium is called stamen. Single unit of the androecium is called a stamen, and a stamen consists of two parts, anther and filament. Anther is a bilobed structure and filament is a long stalk. And when we see the TS of the anther, we see that the anther is a tetragonal structure and consists of four microsporangium in each corner. See students, this is microsporangium. Microsporangium and when we see the TS of microsporangium, we see that it is made up of four layers. First is epidermis, second is endothecium, third is middle layer and fourth is tapetum. Epidermis, endothecium and middle layer perform the function of protection of the developing pollen grain, and tapetum nourishes the developing pollen grain. Then next, the process of microsporogenesis. What is microsporogenesis? Microsporogenesis. Next is the process of microsporogenesis. What is microsporogenesis? The development of microspore or pollen grain from the pollen mother cell is called microsporogenesis. Through meiosis. Meiosis process से pollen mother cell से हमारे microspore या pollen grain form होते हैं. इस process को क्या कहा जाता है? Microsporogenesis कहा जाता है. और हमारे जो immature pollen grain होता है उसमें pollen grain जो है male gametophyte होता है. एंड जो हमारी इमेचर पोलन ग्रेन है उसमें टू लेयर्स होती हैं. आउटर लेयर इज कॉल्ड एग्जाइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन. एंड आउटर लेयर एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन जो होता है बहुत हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है. इसको हम बिना ना तो किसी एसिड से डैमेज कर सकते हैं ना अल्कलाई से कर सकते हैं. इसको डिजोल्व एसिड और एल्कलाई और हाई टेम्परेचर से भी ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो डैमेज नहीं करता और मैच्योर पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इसमें जंप पोर्स, एक्साइन लेयर में जंप पोर्स होते हैं. जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है. और जो हमारी सेकेंड लेयर है पोलन ग्रेन की इंटाइन वो होती है सेलुलोज और पैक्टिन से मेड ऑफ. सेलुलोज एंड मेड अप ऑफ पैक्टिन. ओके देन डेवलपिंग हमारा डेवलप जो मैच्योर पोलन ग्रेन है जिसे हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोर वो टू सेल स्टेज होती है. उसमें फर्स्ट सेल होती है वेजिटेटिव और सेकेंड होती है जनरेटिव. वेजिटेटिव सेल जो होती है लार्ज साइज में बड़ी होती है. इसका साइटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है. और जनरेटिव सेल जो होती है स्मॉल होती है. और आगे जो हमारी जनरेटिव सेल है वो मेल गैमेट फॉर्म करती है. जनरेटिव सेल जो है आगे मेल गैमेट फॉर्म करेगी, टू मेल गैमेट्स बनाएंगी. और जनरली हमारे जो पोलन ग्रेन शेड होते हैं वो टू सेल स्टेज में होते हैं. और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने प्रोसेस देखी, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन मदर सेल. हेलो, नाउ वी विल सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड गाइनेशियम. द सिंगल यूनिट ऑफ गाइनेशियम इज कॉल्ड पिस्टल. द सिंगल यूनिट ऑफ गाइनेशियम इज कॉल्ड पिस्टल. इफ कंटेन ओनली वन सिंगल पिस्टल फ्लावर इज कॉल्ड मोनोकार्पलरी कंडीशन. लुक स्टूडेंट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ मोनोकार्पलरी कंडीशन.
इफ कंसिस्ट ओनली इफ गाइनेशियम कंसिस्ट ओनली सिंगल पिस्टल कॉल्ड मोनोकार्पलरी कंडीशन. सेकेंड इज इफ मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट इन द फ्लावर इज कॉल्ड मल्टीकार्पलरी कंडीशन. मल्टीकार्पलरी कंडीशन इज ऑफ टू टाइप्स सिनकार्पस एंड एपोकार्पस. ऑफ मोर देन इफ मोर देन कार्पल्स आर प्रेजेंट एंड फ्री फ्रॉम ईच अदर दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्री फ्रॉम ईच अदर दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपोकार्पस कंडीशन. एंड ऑल कार्पल्स आर फ्यूज दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनकार्पस. वी सी दैट इन मल्टी कार्पलरी कंडीशन टू कंडीशंस आर अकर. फर्स्ट इज सिनकार्पस एंड सेकेंड इज एपोकार्पस. सिनकार्पस कंडीशन व्हेन ऑल कार्पल्स आर फ्यूज टुगेदर दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनकार्पस. एंड ऑल कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपोकार्पस. नाउ वी विल सी दैट द पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल. पिस्टल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. स्टिग्मा. स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव ऑर्गन फॉर द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. एंड स्टाइल इज अ लॉन्ग स्टॉक. एंड ओवरी इज द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल. एंड थैलेमस. ओवरी सिचुएटेड ऑन विच पार्ट कॉल्ड थैलेमस. ओवरी कंसिस्ट ऑफ मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल. नाउ ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट एंड इट इज एट टू एंड्स. अपर एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. वो एरिया जहाँ पर कि वो पोल या एरिया जहाँ पर कि हमारी इंटेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है वो कहलाता है माइक्रोपाइल एंड. और जहाँ पर हमारे जो क्लोज्ड अपोजिट इसका माइक्रोपाइल एंड का अपोजिट एंड है और क्लोज है वो कहलाता है चैलेसल पोल. ठीक है. और फ्यूनिकल वो पार्ट है जहाँ पर हमारा ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से अटैच रहता है वो पार्ट कहलाता है हमारा फ्यूनिकल. और हाइलम जो है वो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच की जंक्शन है वो कहलाती है हाइलम. ठीक है. और दो ओव्यूल के अंदर जो प्रोटेक्शन के लिए दो इंटेगुमेंट्स है वो है आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट. आउटर और इनर इंटेगुमेंट के अंदर की तरफ न्यूसिलस है. न्यूसिलस पैरेन्काइमेटस मास है जो कि फिल रहता है एम्ब्रियो सैक के अराउंड. और हमारा एम्ब्रियो सैक जो है जिसके अंदर हमारा जो फीमेल एग जो है फीमेल गैमेट जो स्टोर रहता है वो कहलाता है एम्ब्रियो सैक. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल दैट इज इनसाइड ऑफ द ओवरी. फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी ओवरी जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल जो है हमारी स्ट्रक्चर वो सीड में कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ओव्यूल. फर्स्ट टाइप है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मैन माइक्रोपाइल चैलेजा एंड फ्यूनिकल आर इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एंड इट इज फाउंड इन पाइपर एंड पॉलीगोनम. सेकेंड टाइप इज एनाट्रोपस. वैन ओव्यूल इज एट 180 डिग्री एंगल और फ्यूनिकल जो है वो माइक्रोपाइल के 180 डिग्री पर आ जाती है फ्यूनिकल. तो इसे हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल. ये मिलता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में मतलब मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में हमारे एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है. थर्ड है हमारा हेमी एनाट्रोपस. इसमें हमारा जो ओव्यूल है वो 90 डिग्री एंगल पे टर्न हो जाता है और ये मिलता है हमारा रेनन्कुलस में. फोर्थ टाइप है हमारा कैम्फाइलोट्रोपस. कैम्फाइलोट्रोपस में ये फ्यूनिकल के राइट एंगल टू फ्यूनिकल ये हमारा जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल के राइट एंगल में आ जाता है. ये मिलता है एग्जाम्पल लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी में. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ टाइप एम्फीट्रोपस. एम्फीट्रोपस मीन्स है ये होर्स शू शेप्ड टाइप का होता है ये ओव्यूल एम्फीट्रोपस और ये मिलता है लैमना और पॉपी में. और सिक्स है हमारा सिरसिनोट्रोपस. सिरसिनोट्रोपस मिलता है ओपेंशिया में जो कि 360 डिग्री एंगल पे ओव्यूल जो होता है वो हमारा मिलता है इसमें. तो हमने देखी टाइप्स ऑफ ओव्यूल में फर्स्ट देखा ऑर्थोट्रोपस. सेकेंड देखा एनाट्रोपस. थर्ड देखा हेमी एनाट्रोपस. फोर्थ देखा हमने कैम्फाइलोट्रोपस. एंड फिफ्थ देखा हमने एम्फीट्रोपस. और सिक्स देखा हमने सिरसिनोट्रोपस. ये सारे ओव्यूल्स के टाइप्स हैं. ऑर्थोट्रोपस में हमने स्ट्रेट लाइन में देखा. सेकेंड एनाट्रोपस में हमने 180 डिग्री पर ओव्यूल को देखा. और अहमी एनाट्रोपस में ये 90 डिग्री एंगल पे टर्न हो गया रेनन्कुलस में मिला. कैम्फाइलोट्रोपस में ये फ्यूनिकल के राइट एंगल है.
एम्फीट्रोपस में होल शू शेप है और सिसिनोट्रोपस में ये 36 डिग्री एंगल पे टर्न हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर और एम्ब्रायो सैक। मेगा स्पोर इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रायो सैक। द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। इट इज अगर बाय मियोटिक डिविजन। थ्रू मियोटिक डिविजन फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इट डिवाइड इंटू टू मेगा स्पोर डायड। देन अगेन मियोटिक डिविजन अकर एंड फॉर्म फोर मेगा स्पोर डेट इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा स्पोर टेट्राड। और फ्रॉम द फोर मेगा स्पोर ओनली वन मेगा स्पोर इज फंक्शनल एंड अदर द थ्री डीजनरेट इन दिस प्रोसेस। फंक्शन इन द फंक्शनल मेगा स्पोर द न्यूक्लियाई डिविजन अकर। दिस न्यूक्लियाई डिविजन अकर थ्रू द माइटोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वन न्यूक्लियस डिवाइड इंटू टू न्यूक्लियट स्टेज एंड देन विद माइटोसिस फोर न्यूक्लियाई जनरेट एंड देन एट न्यूक्लियाई जनरेट इन द मेगा स्पोर। आफ्टर एट न्यूक्लियट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक सेल वॉल आर लेड डाउन थ्रू आउट द न्यूक्लियस। थ्रू दिस सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियाई जनरेटेड। थ्री न्यूक्लियस सैट इन द चैलिसल पोल। दीज सेल्स थ्री सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। जो सेल्स चैलिसल एंड पर जाकर के कलेक्ट होती है, थ्री सेल्स तो हमारी चैलिसल एंड पर जाके कलेक्ट हो जाती है, थ्री सेल्स जो है वो हमारी माइक्रोबायल एंड पर कलेक्ट हो जाती है और जो हमारे टू न्यूक्लिया हैं वो सेंटर में हो जाते हैं जिन्हें कहते हैं, इन पर सेल वॉल अराउंड इनकी सेल वॉल नहीं होती, इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लिया। सेंटर में टू न्यूक्लियस जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम पोलर न्यूक्लिया, जो कि आगे हमारे एंडोस्पर्म रिजर्व मटीरियल फॉर एम्ब्रियो जनरेट करेंगे। पोलर न्यूक्लिया आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं और एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल होता है एम्ब्रियो के लिए। जब तक एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो जाता उसे न्यूट्रिशन किससे मिलता है? एंडोस्पर्म से मिलता है। और वो एंडोस्पर्म किससे मिलता है? पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से बनता है एंडोस्पर्म। एंड थ्री सेल्स अरेंज एट माइक्रोपाइल एंड कॉल्ड एग एपरेटस। जो माइक्रोपाइल एंड पर जो सेल्स कलेक्ट होती हैं उन्हें कहते हैं एग एपरेटस। उनमें से टू सेल्स होती हैं सिनर्जी सेल्स और इन पे सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं जो कि पोलन ट्यूब को हमारी सेल के अंदर गाइड करती है कि उन्हें कहाँ, मेल गैमेट को गाइड करती है कि उसे कहाँ जाना है। पोलन ट्यूब से मेल गैमेट आ रहा है तो उन्हें गाइड कौन करेगा? हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस। सॉरी, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? सेलुलर थिकनिंग्स है और कहाँ प्रेजेंट है? सिनर्जीज में प्रेजेंट है। और हमारे सिनर्जीज के ऊपर है हमारी एग सेल। ये एग सेल जो है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होती है और क्या बनाती है? जायगोट फॉर्म करती है। और जायगोट से क्या बनता है? हमारा एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है और एम्ब्रियो सैक जो है हमारा वो कैसा है? सेवन सेल स्टेज है और एट न्यूक्लियाई है।